हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में हम चालू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं आइसोमेरिज्म से। और ऑर्गेनिक के जितने भी ट्रैक्स हैं वो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट है ट्रिक फोर चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए प्राइमरी कंडीशन ही हमारे पास में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो हमारी प्राइमरी कंडीशन है आइसोमेरिज्म के लिए। अब आता है कि हम चेन आइसोमेरिज्म कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या ट्रिक यूज़ करनी है आपको। अब आपको ध्यान रखना है डिफरेंट लेंथ ऑफ पीसीसी। पीसीसी फुल फॉर्म है पेरेंट कार्बन चेन। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना, ये तो आइसोमेरिज्म की प्राइमरी कंडीशन है। अब चेन आइसोमेरिज्म को कैसे पहचाना जाएगा, आपको देखना है पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए और साइड चेन, या तो पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए या फिर साइड चेन की लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। देन उस कंडीशन में जो भी आइसोमर्स बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। तो यही हमारी ट्रिक भी है कि आपको जो भी कंपाउंड्स दिए जाते हैं उनमें आप देख लीजिए पेरेंट कार्बन चेन या फिर साइड चेन, इनकी लेंथ डिफरेंट है, देन आइसोमर्स आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। एक एक मीनिंग देख लीजिए यहाँ पर। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट होने का मीनिंग क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ C4H10 और मुझे चेक करना है कि इसके कितने चेन आइसोमर्स बन रहे हैं। तो C4H10 के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रेट चेन बना दी। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट कार्बन चेन कितना है, 4 मेंबर। अब हमें पेरेंट कार्बन चेन के लेंथ को चेंज करना है, तो 1, 2, 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और एक कार्बन हमने एज ए सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन 4 मेंबर है, इसलिए आपने रूट वर्ड क्या यूज़ किया, ब्यूट, क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। जबकि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन कितना है, 3 मेंबर्स, इसलिए आप क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन यूज़ कर लिया आपने, और एक मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूट था सेकेंड पोजिशन पर, तो आपने लिख लिया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट है, देन उस कंडीशन में आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको पीसी समझ में आ गया होगा। एक पार्ट और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर मैंने लिया है साइक्लोपेंटेन। तो पेरेंट कार्बन चेन की बात करें हम, तो पेरेंट कार्बन चेन इस बार कितना मेंबर है, 5 मेंबर। इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ को मैंने चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 4 मेंबर, और एक मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया। तो पेरेंट कार्बन चेन पीसीसी की लेंथ डिफरेंट हो गई, पहले था 1, 2, 3, 4 एंड 5, पहले 5 मेंबर चेन था और अब कितना हो गया, 4 मेंबर पेरेंट चेन बन गया। तो दोनों आइसोमर्स भी आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। तो पीसीसी का आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा कि पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन के लेंथ डिफरेंट है, देन उस कंडीशन में चेन आइसोमर्स होंगे। अब आता है हम देखते हैं कि साइड चेन डिफरेंट होने का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसके लिए, साइड चेन के लिए मैं यहां से ले रहा हूं 5 कार्बन स्ट्रेट चेन, और साइड चेन में मैंने ले लिया इस बार इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो पेरेंट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 कार्बन की है, साइड चेन की लेंथ, साइड चेन कितना कार्बन की, 2 कार्बन की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5 पेरेंट कार्बन चेन की बात करें तो पेरेंट कार्बन चेन तो अभी भी हमारी 5 मेंबर है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि साइड चेन की लेंथ को चेंज कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर पहले हमारे पास में 2 कार्बन की एक चेन थी, जबकि हमने इस कार्बन की चेन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो उस कंडीशन में ये आइसोमर भी आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो क्लियर होगा यहाँ से, फर्स्ट हमारे पास में पीसीसी की लेंथ हमने डिफरेंट ली दोनों एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हमने क्या कर लिया, साइड चेन के लेंथ को डिफरेंट कर दिया। एक एग्जांपल और देखना चाहें तो चेन आइसोमर्स का और देखिए, ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने लिया है पेरेंट चेन 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपेन, और साइड चेन की बात करें हम तो यहाँ से मैं साइड चेन जोड़ रहा हूँ 1, 2 एंड 3 3 कार्बन की साइड चेन जोड़ दी मैंने। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन तो मैंने 3 कार्बन की ली है, लेकिन इस बार हमने साइड चेन एक कार्बन के ले ली और दूसरी 2 कार्बन की ले ली। रिमेनिंग वैलेंसी इनकी सभी की आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं,
तो यहाँ से देखें पेरेंट कार्बन चेन अभी भी हमारी फर्स्ट 1 2 3 तीन कार्बन की है, यहाँ पर भी पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 तीन कार्बन की है, लेकिन साइड चेन की लेंथ की बात करें तो यहाँ पर साइड चेन कितना मेंबर है, 3 मेंबर, जबकि यहाँ पर साइड चेन आप देखिए साइड चेन की लेंथ हमने 2 कार्बन और 1 कार्बन के लिए, और अभी हमने क्या कहा था कि यदि साइड चेन की लेंथ भी चेंज होती है तो देन उस कंडीशन में भी क्या होंगे ये चेन आइसोमर्स। तो ये था आज की हमारी एक छोटी सी ट्रिक, और इससे आप जितने भी चेन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वापस देख लीजिए चेन आइसोमेरिज्म क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन PCC और साइड चेन की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी तो देन उस कंडीशन में क्या होंगे चेन आइसोमेरिज्म। पहले दो एग्जाम्पल में हमने पेरेंट कार्बन चेन देख लिया, नेक्स्ट दो एग्जाम्पल में हमने साइड चेन की लेंथ को भी डिफरेंट करके देखा तो आपस में क्या बने चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पोजिशन आइसोमेरिज्म होगा, पोजिशन आइसोमेरिज्म की ट्रिक सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फाइनली पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।